अयोध्या में राम मंदिर के मामले में चंदा चोरी के कई खुलासे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किए। आज प्रधानमंत्री मोदी खुद समीक्षा बैठक में हैं। सर, समीक्षा बैठक ले रहे हैं मोदी जी, क्या कहेंगे? नहीं तो उनको इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि बीजेपी वालों ने जो चंदा चोरी की है, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 साल से नहीं बन पा रहा है। आप बताइए कि करोड़ों रुपए के जमीन खरीद का घोटाला, और एक एक कागज मैंने सामने किया, बीजेपी वालों ने ट्रस्ट के साथ मिलकर एक नहीं कई जमीनों में घोटाले किए हैं। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ की बिक जाती है, 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में बिक जाती है, जो जमीन सस्ते दाम पे दूसरों को मिल रही है 5 गुना 10 गुना दाम पे ट्रस्ट को मिल रही है, उसमें शामिल कौन है? बीजेपी वाले शामिल हैं, उनके रिश्तेदार शामिल हैं। तो आपकी आस्था प्रभु श्री राम में है या चंदा चोरों में है? आपकी आस्था प्रभु श्री राम में है या प्रॉपर्टी डीलर्स में है? और ये भी सूचनाएं मिल रही हैं कि इसका पैसा, जो करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, इसका पैसा, इसका हिस्सा ऊपर तक पहुंचा है। तो प्रधानमंत्री जी को आज समीक्षा में ये पता करना चाहिए किसने किसने कितना कितना घोटाला और भ्रष्टाचार किया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, उन लोगों पे वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर 1.5 वर्षों से क्यों उसका निर्माण कार्य रुका हुआ, अभी तक नींव नहीं भर पाई, आप सोचिए। ऊपर तक आप कह रहे हैं, ऊपर तक 27 किलोमीटर का हाईवे बना, एक्सप्रेसवे बना, उसमें कितने लाखों हेक्टेयर जमीन, हजारों हेक्टेयर जमीन जो है वो अधिग्रहित हुई होंगी, लेकिन वो सड़क 22 महीने में बन गई। और जिस राम मंदिर के प्रति करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, वो राम मंदिर की नींव तक नहीं भर पाई अब तक। क्यों? क्योंकि बीजेपी वालों का दिमाग चंदा चोरी में है, उनका दिमाग मंदिर बनाने में नहीं है। ट्रस्ट वालों का दिमाग मंदिर बनाने में नहीं है, उनका दिमाग चंदा चोरी में। सीधा सीधा बीजेपी वालों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले ही तो शामिल हैं पूरे, आप उठा के देख लीजिए। आप ऋषिकेश उपाध्याय, उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार, उसके जुड़े हुए लोग, आप बताइए। प्रधानमंत्री मोदी जी समीक्षा कर रहे हैं तो किस तरीके की जांच की? प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास सैकड़ों जांच एजेंसियां हैं। आपको उम्मीद है कि जांच हो पाएगी? जांच होनी चाहिए, नाकारा से नाकारा सरकार होती हिंदुस्तान में तो भी जांच कराती इतने खुलासे के बाद। ये झूठे लोग जो कह रहे थे संजय सिंह पे मानहानि का मुकदमा करेंगे, कहाँ छिप गए ये लोग? मानहानि का मुकदमा करिए, 6 महीने में उसकी सुनवाई कीजिए, मैं सारे तथ्य रखूंगा कोर्ट में। और मैंने भागवत जी से भी समय मांगा है, मोहन भागवत जी समय दें, मैं सारे तथ्य उनके सामने भी रखूंगा, सारे कागजात उनके सामने रखूंगा। मैंने उनको भी पत्र लिखा है, मोहन भागवत जी को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री मोदी जी समीक्षा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें खुलेंगी, सामने आएंगी? बड़ा मामला है ये, छोटा मामला नहीं है ये। प्रभु श्री राम के मंदिर के दान पात्र की चोरी है, और हम लोगों के यहाँ गांव में अगर कोई दान पात्र में चोरी करता है, उसको गांव वाले मिलके गांव निकाला कर देते हैं। आप बताइए कितनी आस्था के साथ इस देश के गरीबों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, माताओं बहनों ने अपना गहना बेच के, पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया, और वहाँ क्या कर रहे हैं लोग? घोटाले और भ्रष्टाचार, 1.5 वर्षों में काम ठप पड़ा हुआ, रुका हुआ है मंदिर का, क्योंकि इनका दिमाग चंदा चोरी में लगा हुआ। आप देखिए ट्रस्ट के एक मेंबर का तो मैंने घर भी दिखाया था, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। तो ये थे संजय सिंह, जिनका साफ कहना था कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार हो ऐसे इतने बड़े मामले में या चंदा चोरी का और आस्था का सवाल जहाँ आ जाता है तो उसमें जाँच होती है, तो ऐसे में सरकार को जाँच जरूर करनी चाहिए। कैमरा मैन मिंटू के साथ विनय सिंह मिश्रा रिपोर्ट मिलेगी।